नमस्कार, वक्त तो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो रेवाड़ी में सर्दी का बड़ा ही कोहराम है। हरियाणा में कोल्ड वेव चल रही है। हिसार में 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया है। रेवाड़ी में आज की सुबह बहुत ही ठंडी थी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई है। देखिए, ठंड की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। देखिए, पूरी खबर पक्की खबर नहीं है कि ठंड से ही मौत हुई है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी ठंड से मौत हुई है। रेवाड़ी के बावल स्थित एक ढाबा के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। हालांकि उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि उसकी मौत ठंड लगने से हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। देखिए, आपको बता दें कि बावल के भगत राम चौक पर राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव ऊंच निवासी सोनू ने ढाबा खोला हुआ है। उसके ढाबा के पास एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। सूचना के बाद तुरंत बावल थाना पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने उसे उठाकर तुरंत अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जानकारी जुटाने पर बावल थाना पुलिस को पता चला कि मृतक की उम्र करीब 48 साल है और वह ढाबे पर ही काम करता था। ढाबे वालों से उसने अपना नाम भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ निवासी नवीन बताया था। हालांकि बावल थाना पुलिस ने जब भिवानी के थाना जुई वे गोलागढ़ के सरपंच से संपर्क किया तो लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। अब पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है, साथ ही उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जैसे ही पहचान होगी उनको शव दे दिया जाएगा। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते हैं हिमाचल को।